राजस्थान में लोकसभा चुनाव के पहले चरण की तारीख नजदीक आते ही लगातार नेता एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं, कहीं नाम लेकर तो कहीं बिना नाम लिए ही निशाना साध रहे हैं। इस बीच हॉट सीट नागौर से बीजेपी प्रत्याशी ज्योति मिर्धा का बड़ा बयान सामने आया है, पहले आप ये वीडियो सुनिए। चीज बताना चाहती हूँ, नेताजी धमका के काम करते हैं और इस पूरे क्षेत्र में उन्होंने एक भय का वातावरण फैला रखा है कि आज किसी का भी होगा काम तो मेरे कहने से होंगे। मैं नेताजी को खुली चुनौती दे रही हूँ आज माजपुड़ा में यहाँ से, अगर बिना भाजपा के कार्यकर्ताओं नेताओं की इच्छा के यहाँ पे एक लट्टू भी झुक जाए ना तो मेरा नाम बदल देना चाहिए। और सुनो, अगर मेरे एक भी कार्यकर्ता की तरफ आंख उठा करके देख ली तो शॉट मार मार के हालत खराब कर देंगे। और किसी माइकल लाल की हिम्मत नहीं है कि आकर के बूथ के ऊपर आपको रोक सके। हमारे लोग जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि यहाँ से पार्टी के लोग जीत करके जाए, जो चाहते हैं कि ज्योति मिर्धा जीत करके जाए, जो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, उन 36 कौम के सभी साथियों से मेरा निवेदन है, एक भी आदमी ऐसा भय के वातावरण में नहीं रुक जाए कि भाई मां वोट दे दिया और छाने दे दे कि मैं शाम यहाँ जाऊँ जाना नेताजी मां को कहीं करी नेताजी को की कौन बटे आपका बताए तो मैं लास्ट आके फिर। ज्योति मिर्धा ने बयान खींवसर में चुनावी सभा के दौरान दिया। ज्योति मिर्धा ने आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल को चुनौती देते हुए कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं की इच्छा के बिना कोई एक लट्टू भी नहीं हिला सकता और कोई भी मेरे कार्यकर्ताओं के सामने आंख उठाकर देखा तो मैं शॉट मार मार कर हालत खराब कर दूंगी। ये वीडियो उनका सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आपके इस वीडियो पर क्या राय है कॉमेंट जरूर करें।